So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So finally आपके लेके आ गया पार्ट थ्री उमर सीरीज का और लास्ट तक हमने देखा था कि लोग वहां पे इबादत करने लग पड़े थे तो फिर लड़ाई लड़ रही पत्थरों से मारा जा रहा था. Now let's see. आगे देखते हैं. और सबसे बड़ी और मेन बात ये है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, बस यही रिक्वेस्ट है. बहुत से भाई ने देखी अपनी वीडियो लास्ट तक और बस ये कि यार मतलब जो पहला पार्ट है उस पे 20-25 हज़ार व्यू है तो आई थिंक ये भी लगभग 10 हज़ार तो होने चाहिए हर एक पार्ट पे. और आपकी रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं ये वाली वीडियो. और दूसरी बात ये कि कमेंट्स मेरे को एक बार पहले भी आया था ना और अभी फिर से आया कि कमेंट आया था ये अपने किसी पहले पता नहीं किसका था तो तब मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था इस चीज़ को. मैं सोचता झूठ होगी. कल मेरे को फिर कमेंट आया कि भाई हजरत उमर किस बंदे की वीडियो बना रहे हो आप, इसने ही बीबी फातिमा को मारा है जो दरवाजा गिराया था उस पर जलता जलता. वो हमने वो नहीं देखा था नुहा यार, नुहा डाला इस पर कर ले लानत दुश्मन बर जायरा कुछ ऐसा है ना, लानत बर दुश्मन जहारा. उस नुहा में ये बात कही है. तब हमने कहा था कि हमें नहीं पता इस इंसिडेंट के बारे में. तो फिर बंदे ने मेरे को कहा कि गूगल कर ले एक बार तो देखो खुद समझ आएगा. फिर मैंने कल गूगल किया कि जब वो दरवाजा पड़ा था, दरवाजा किसने फेंका था बीबी फातिमा पे, तो वहां पे नाम आया है हजरत उमर और अबू बकर का, दोनों का नाम है कि दोनों ने ये बात. अब बताओ सच है क्योंकि ये बात गूगल में भी लिखी है और लोग भी कह रहे हैं. तो फिर हजरत उमर उनको इतने प्यारे क्यों थे? हाँ उनको तो प्यारे थे हजरत उमर, उनके मरने के बाद हुई है ना ये चीज. अच्छा प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद हुई है ये चीज. और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा सच है तो फिर दुनिया क्यों चाहती है ना हजरत उमर को, सोचने के बाद मेरे को ये फिर लगती है ना. तो बाकी आप सभी बताना कि क्या सच है इस बारे में और फिर करते हैं अपन इसको प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. लास्ट तक जरूर देखना करें क्योंकि हम अबू तालिब को समझा कर थक चुके हैं. मुझे लगता है अब हमें मोहम्मद से सीधे बात कर लेनी चाहिए. क्या हमें मोहम्मद से मिलना चाहिए या नहीं? क्या हमें उससे खुले में बहस करनी चाहिए या नहीं? मोहम्मद से हम अपनी बुराई सुनेंगे? उसने हमारे खिलाफ कोई हथियार तो उठाए नहीं है, बस वो लोगों से बात करके अपने दीन को फैला रहा है. जब लोगों को पता चलेगा कि आपने मोहम्मद को बहस के लिए बुलाया है और अपनी दलीलों से मोहम्मद को हरा दिया है तो वो उसका साथ वैसे ही छोड़ देंगे. क्या होगा अगर इसका उल्टा हुआ तो? तो फिर इसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी. तो कौन ये काम करेगा? काबे को बनाने वाले की कसम, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं जब तक मेरे बड़े यहां मौजूद हैं. जो भी तुमने आज यहां बोला है उमर, उससे एक बात तो पता चलती है कि इंसान अपनी उम्र और अपनी दौलत की वजह से काबिल नहीं बनता, बल्कि इंसान काबिल बनता है अपनी मेहनत और अपनी लगन से. जानते हो कुरैशियों ने तुम्हें अपना सफीर और अपना नुमाइंदा क्यों बनाया है? क्योंकि हमने तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियत, वो सारी खूबियां देखी हैं. मुझे मजबूर न करें अलवलीद, मैं ये काम नहीं कर सकता जब तक आप हैं, सुहेल इब्ने अम्र हैं, खतीब कुरैश और अबू अब्द शम्स हैं, अपनी कौम के बड़े बुजुर्ग. तब फिर अबू अब्द शम्स ही ठीक हैं. इन्होंने सब कुछ तुम्हारे अब्बा के सिर पर डाल दिया है. मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है. सुनो सुनो कुरैश के लोगों, सुनो सुनो मक्का के सरदारों, सुनो. मक्का के लोगों, मैं शहादत देता हूं कि मैंने सलीम को आज से आजाद कर दिया है. अब से ये मेरा बेटा है और आज से सलीम है, सलीम इब्ने अबू उदैफा इब्ने उतबा इब्ने रबिया. मैं इसे अपना वारिस मानता हूं और इसे अपना वारिस भी बनाता हूं. मुझे बड़ी खुशी है. जब एक गुलाम आजाद होता है तो दूसरे गुलाम को उसके लिए खुश होना चाहिए. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ फर्क पड़ता है मुझे, दुख भी होता है. उसने उसे आजाद भी करा दिया और अपना बेटा भी मान लिया और उसे अपना नाम भी दे दिया. और ये सब इसलिए क्योंकि वो एक अरबी गुलाम है और हमारा क्या, हम तो हबशी गुलाम है ना. और बताओ मुझे,
दुनिया को बनाने वाले ने काला और गोरा क्यों बनाया? क्या तुम्हें अपना रंग पसंद नहीं वाशी? तुम्हें है क्या? लेकिन मुझे है। नहीं, मुझे नहीं है, क्योंकि मैं एक हबशी हूँ, इसलिए ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर मेरा रंग भी गोरा होता तो ये मुझे भी आजाद करते। तुम भी उनकी तरह हो गए हो वाशी। उनकी तरह? हाँ, क्योंकि तुम भी उनकी आंखों से अपना रंग देख रहे हो। तुम उनके गुलाम नहीं हो, बल्कि वो तो खुद अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। वो कभी सच को नहीं देख सकते और हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे। जो मैं सुन रहा हूँ वो किसी गुलाम से पहले कभी नहीं सुना। मैं अपने आकाओं का गुलाम नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा शरीर उनका गुलाम है, लेकिन मेरा जिस्म और मेरी रूह उन सबसे ज्यादा आजाद है। तुम मुझे सपने दिखाने चले हो। कुरेश के लोग आज आपस में बातें कर रहे थे, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? क्या मतलब? क्या गुलाम के पास कान नहीं होते? मैंने तब तक कुछ भी नहीं सुना जब तक अबू दुहैफा ने सलीम को आकर आजाद नहीं कर दिया। तुम वहां खड़े थे और तुमने कुछ भी नहीं सुना? मेरे मालिक ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं किसी मजलिस में खड़ा हूं तो ना मुझे देखने की इजाजत है और ना सुनने की। हाँ, मैं जानता हूं वो मोहम्मद और उनके टीम के बारे में बात कर रहे थे। तो तुम क्या सोचते हो? क्या मतलब? तुम्हें आज हो क्या गया है? कुरैशियों को किस बात से तकलीफ होती है, इस बात पर एक गुलाम अपनी राय कैसे दे सकता है? राय? राय यहाँ होती है, यहाँ या यहाँ? इंसान को पहले खुद को देखना चाहिए। इंसान, ये खूबियां मेरे अंदर कब आएंगी? और मैं क्यों मोहम्मद की परवाह करूं? तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। मुझे इस बारे में कोई राय नहीं देनी। लेकिन तुम तो दे रहे हो। मेरी राय यह है कि ना तो मैं मोहम्मद के दीन की परवाह करता हूँ और ना ही कुरैशियों की, और मेरे लिए इन दोनों के दीन का कोई मतलब नहीं है। सही कहा, आपको सिर्फ कुरैशियों का नबी बनाकर नहीं भेजा गया है और ना ही सारे अरब का, बल्कि आपको नबी बनाकर भेजा गया है पूरी कायनात का, और उसमें काले, गोरे, अरबी, गैर अरबी और ना जाने कितने। ये सब तुमने कहाँ से सीखा मामा की बेटी? अगर तुम भी लोगों को ऐसे सुनते जैसे कि मैं सुनता हूँ तो तुम भी शायद जान जाते। तुमने कहा सारी कायनात के लिए, तो क्या उसमें आज़ाद और ग़ुलाम लोग भी हैं? तो कल अगर मैं मोहम्मद पे भरोसा करूं, तो क्या वो मुझे आज़ाद करा देंगे? अगर तुमने कल उन लोगों को सुना होता तो तुम जान जाते कि वो आपसे कितना बैर रखते हैं, जबकि आप अखलाक और फ़राइज़ में उन सबसे कहीं ज़्यादा अफजल हैं। अगर वो तुम्हें आज़ाद करने का हुक्म भी देते हैं तो ये लोग नहीं मानेंगे। देखो वाशी, सच वो होता है जिसकी कोई शर्त नहीं होती और ना ही उसे कोई कीमत देकर खरीदा जा सकता है और ना ही उसे छुपाया जा सकता है। जिस दिन ये सच सामने आएगा तो सबको बराबर का इंसाफ मिलेगा। क्या तुमने लोगों को वाकई ये बात कहते सुना? क्या ये सच है? सुनो इब्ने अबी कुआफा, हम तुम्हें सभी लोगों में सबसे अफसल समझा करते थे जब तक कि तुमने मुदम्मम का साथ नहीं पकड़ लिया। ना सिर्फ तुमने उनका साथ पकड़ा बल्कि अपने साथ साथ और लोगों को भी बिगाड़ दिया। लानत है तुम पर। और तू चरवाहे, तू क्या सोचता है इन लोगों का साथ पकड़कर तू बच जाएगा? मैं भी देखता हूं तुझे मुझसे कौन बचाता है। अब तो ज्यादा दिन तक मेरे कहर से बच नहीं पाएगा। तुझसे ज्यादा वफादार तो उन भेड़ों के साथ रहने वाला कुत्ता होता है। बहुत जल्द मेरा आजाब तुझ पे नाजिल होने वाला है। फिर देखता हूं तुझे कौन बचाता है। कोई भी कबीला तुझे मुझसे बचाने मेरे सामने नहीं आएगा। सलामुन सलामुन। मैं आप जैसे जाहिल लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सुनो, तुम्हारा ये हाल करूंगा। अल्लाह के रसूल ने सही कहा था,
ये वाकई में अबू जहल है। आपने देखा नहीं वो कैसे अल्लाह के रसूल को गालियाँ दे रहा था? वो आपको मुदम्मम बुला रहा था जबकि आप, वल्लाही मैं उसकी गाली का जवाब देकर रहूँगा। मेरे नबी ने ऐसा करने से मना किया है। वल्लाही आपको तो रहनुमा बनाकर भेजा गया है ताकि वो लोगों में खुशियाँ भी बांटें और साथ ही साथ हिदायत भी करें। आखिर में हम सबको उसे खुदा के पास ही जाना है। और आप इब्ने मसूद, आपने तो पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया है, फिर आप उस खुदा की अनदेखी कैसे कर सकते हैं? अल्लाह कहता है, अल्लाह और उनके नबी ने सच ही कहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सूरत मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। आइए, आपका खैर मकदम है। बताओ तुम क्यों मेरा खैर मकदम करोगे उमर? क्या मैंने तुमसे मना नहीं किया था? क्या मना किया था? यही कि दूसरों के सामने मेरी मुखालिफत मत करना। तुमने देखा नहीं कैसे उतबा इब्न रबिया ने तुम्हारी तारीफ की और मुझे नीचा दिखाया? या तुम ये बताना चाहते हो कि उमर उसके मामा से ज्यादा समझदार है? तो आप इसलिए यहाँ आए हैं? सुनो अबू अल हाकम, तुम भी मुझे अबू जहल क्यों नहीं बुलाते जैसे मोहम्मद और उसके सहाबा मुझे बुलाते हैं? तो क्या मजलिस मशवरे के लिए नहीं बुलाई जाती? मशवरे का यही मतलब होता है कि लोग मजलिस में अपनी अपनी बातों को रख सकें और उनमें से जो बात सही हो उसी को सब माने, वरना लोग अपनी बातों पर अड़े रहेंगे और एक राय कायम ना हो सकेगी। फिर तो जो ताकतवर होगा लोग उसी को सुनेंगे। ये बिल्कुल सही कहा, ताकतवर की ही सुननी चाहिए। फिर तो लोग तलवार की भाषा समझेंगे और हर हारने वाला जीतने वाले की खुशामद करेगा। ना अबुल हकम, मैं आपको खुश करने के लिए अपनी राय नहीं बदलूंगा। मैं मोहम्मद और उनके दीन की मुखालिफत करता हूं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं। ये तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? यहाँ कैसा शोर हो रहा है? अपने इस लड़के से पूछो, क्या आपने इसे कभी सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, खासकर जो लोग इसके रिश्तेदार लगते हैं? आइए आइए, आप भी आइए 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 आइए। सौला, तो तुम्हारे अब्बू और भाई अबू जंदल आए हैं और साथ में मेरे अब्बा और मेरे भाई भी हैं। जरा बाहर तो आओ। तुमने सलीम की बात को आम करने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं की? और तुम्हारे ससुर अबू यजीद भी तो थे, तुम्हें कम से कम इनसे तो मशवरा लेना चाहिए था। जब मैं और सलीम उस दिन एक साथ खाना खा रहे थे वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मुझे क्या नापसंद है? मेरी दिली तमन्ना है कि मैं जिन्हें पसंद करता हूँ आप भी उन्हें पसंद करें। अगर मैं ना करूँ तो आपको खुश करने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, लेकिन जिस बात की तस्दीक मेरा दिल कर देता है मैं उसे करने से कभी पीछे नहीं हटता। जो तुम्हारे खाविंद ने सलीम के साथ किया उससे तुम खुश हो? मैं कैसे ना खुश हो सकती हूँ? सालिम तो मेरे बेटे की तरह है, और अगर मैं पसंद ना भी करूं तब भी मैं अपने खाविन के खिलाफ नहीं जा सकती। और अब्बा जी, अगर मैंने कभी ऐसा किया तो सबसे पहले आप ही आएंगे मुझे डांटने के लिए। सालिम, सईद, यहाँ। बैठ जाओ। अपने दादा की बात सुनो लड़के। देखो, जो अबू हुदैफा ने किया उससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, लेकिन अब ये ऐसा कर चुका है और इसके लिए इसने लोगों को भी गवाह बना लिया है। तो अब से तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। अब से तुम्हारी खुशी हमारी खुशी होगी और तुम्हारा गम हमारा गम होगा। हम अपने लोगों के रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए अपने अब्बा अबू हुदैफा के साथ ही रहना और इनको इतना ही प्यार देना जितना ये तुम्हें करते हैं। वल्लाही मैं सारी जिंदगी इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई परवाह नहीं। वल्लाही मैं जानता हूँ अब्बा जी कि आप सभी लोगों में सबसे ज्यादा जहीन और इज्जत वाले हैं। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ तुम भी उस बात की इज्जत रखो और मेरे जाने के बाद इस कबीले की बागडोर
अपने हाथ में ले लो ताकि मैं... मैंने आपको पहले ही बोला है बाजी, मैं इस लायक नहीं। मेरा भाई अबू अल वलीद है ना, इज्जत का सही मुस्तहिक है। मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगे सलीम? तुमने जीती थी तब क्या मेरी आंखें सही काम कर रही थी, और अब तुम इस बार हार रहे हो तो मेरी आंखों का कसूर है। हाँ मुझे पता है तुम ये नहीं बोलना चाहते कि उमर खालिद से दोनों बार जीत गया, क्योंकि वो तुम्हारा रिश्तेदार भी है और तुम दोनों मखजूम कबीले से भी हो। हाँ मैं जानता हूँ वो मेरा रिश्तेदार भी है और मेरी कौम का है, लेकिन तुम भूल रहे हो शायद कि मैं तुम्हारा मामा भी हूँ और करीब का। हाँ तुम जब तक थे, जब तक तुमने अपने रिश्तेदार के हक में फैसला नहीं दिया, अब नहीं हो। याश लोगों को खुश करना भी आसान नहीं होता। सही कहा, और उनमें सबसे ज्यादा वही पिसता है जो दो लोगों के बीच फैसला कराता है। चलो अब तुम ही फैसला करो, हम दोनों में रेस कौन जीता? वही जीता जिसपे मैंने अपनी शर्त लगाई थी, यानी कि मैं। तुमने उस पर शर्त लगाई ये सोचकर कि मैं हार जाऊंगा? देखो मैं दोनों बार शर्त जीत गया, दोनों बार। देखो पहली बार मैंने तुम पे शर्त लगाई और मैं जीत गया। ये अपनी गलत सोच में हम दोनों को भागीदार बना रहा है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैंने अपनी सही सोच लगाकर दोनों को बराबर आका है? पहली बार में उमर और दूसरी बार में तुम, और ये दोनों बार ही जीत गए। आमर बिन अलास की किस्मत आज वाकई में बहुत बुलंद है। तुम्हें क्या लगा ये किस्मत का खेल है? मैंने पहले ही रेस में उमर के घोड़े को भांप लिया था, वो खालिद के घोड़े के मुकाबले में ज्यादा हांफ रहा था, इसी से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये पहली रेस में काफी थक चुका है और दूसरी रेस में उमर के घोड़े से हार जाएगा। अच्छा तो अब समझ में आया कि ये घोड़ा हारा है, घुड़सवार नहीं। घोड़ा हमेशा घुड़सवार के इशारों पे ही चलता है, बात को घुमाने की कोशिश ना करो उमर। ये तो हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है। हाँ वाकई हमेशा की तरह शिकार पे जा रहे हैं, क्यों ना हम भी इनके साथ शिकार पर चले जाएं? ये जानते हुए भी कि हमारे और हाशिम कबीले के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन हमजा ने तो मोहम्मद का दीन कबूल नहीं किया, और हमारे बड़ों ने तो अभी तक अभी इन मसलों सिवाय उमर के बुजुर्गों के होते हुए भी अदिया कबीले ने इनको चुना है। वे वाकई में बहुत शानदार घुड़सवार है। कोई भी नौजवान मुकाबले पे नहीं है। कहाँ जा रहे हो अब्दुल्ला? मुझे कुछ काम है। मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसमें छुपाने और बताने जैसी कोई बात नहीं है। क्या तुम हमारे साथ मजलिस में नहीं चलोगे, या तुम्हें अपने बाप का साथ पसंद नहीं है? नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर तुम्हारे लिए दूसरों का साथ और मेरा साथ एक ही बात है तो मेरे साथ ही चलो। मुझे जहाँ पसंद है मैं वहीं जाऊँगा। तो तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं? देखिए अब्बा मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। जब भी मैं तुमसे कहीं जाने के लिए बोलता हूँ तुम हमेशा ही मुझे मोहम्मद और उनके सहाबाओं पर कभी ना खत्म होने वाली बहस के अलावा आप करते क्या है उस मजलिस में? कभी ना खत्म होने वाली? तुम्हें नहीं पता उन्होंने क्या किया है हमारे साथ? बताइए अब्बा जी क्या किया है उन्होंने? उन्होंने हमारे दीन और हमारे खुदाओं को गालियाँ दी हैं। तो आप क्यों अपने खुदाओं की हिमायत कर रहे हैं? वो तो अपनी हिमायत आपसे ज़्यादा खुद कर सकते हैं। जब भी कोई गंभीर मसला होता है क्या आप उनके पास नहीं जाते मदद मांगने के लिए? क्या आप उनके पास जाकर अपने मंसूबे जाहिर नहीं करते, या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानी पेश नहीं करते? वो तो अपने साथ साथ आपकी भी हिफाजत कर सकते हैं। तो क्यों ना आप मोहम्मद को इन खुदाओं के भरोसे छोड़ दें? या आपको इनकी काबिलियत पर कोई शक है? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सुनो क्या तुम्हें इससे बेहतर कपड़े नहीं मिले? कम से कम अपना नहीं तो अपने बाप का ख्याल तो करो। लोग क्या कहेंगे? फिक्र ना करें अब्बा जी, लोगों को पता है और वो जानते हैं कि आप कितने दिलदार हैं और लिबासों को लेकर आप कितने फिक्रमंद रहते हैं। और अगर वो करते भी हैं तो मेरे भाई का लिबास उन्हें झूठा बना देगा। अबू जंदल क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अबू जंदल तुम मेरे साथ आओगे?
लड़के को हुआ क्या है? सारा कबीला आमिर इब्ने लुए की इज्जत करता है सिवाय इस लड़के के। लगता ही नहीं जैसे कि तुम दोनों एक ही बाप की औलाद हो। तुम दोनों में इतना इख्तिलाफ कैसे है? आप किस इख्तिलाफ की बात कर रहे हैं अब्बा जी? वो कितना कठोर है और तुम कितने नरम मिजाज हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कठोर होना या नरम होना दो अलग अलग बातें हैं। मेरे हिसाब से तो इंसान बुजदिल होने से अच्छा हिम्मत वाला हो और बेअदब होने से अच्छा है कि वो बाअदब हो। ओहो, मुझे आज ये पता नहीं कि तुम दोनों भाइयों को आखिर हुआ क्या है। हमने तो ये सब आपसे सीखा है अब्बा, यानी सुहेल इब्ने अम्र, तीबे कुरेश। लेकिन आज आपने अपनी काबिलियत के हिसाब से अब्दुल्ला की बातों का जवाब नहीं दिया। यही कि किसको किसकी हिफाजत करनी चाहिए, अपनी या अपने खुदाओं की? हम उन्हें मानते हैं, बदले में वो हमारी हिफाजत करते हैं। हो सकता है। ऐ कुरैश के लोगों, हज का वक्त करीब आ रहा है। लोग सारी दुनिया से हमारे यहाँ इकट्ठा होंगे और उन सब ने मोहम्मद के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसे में हमें एक दूसरे पे भरोसा रखते हुए आपस में उनके लिए एक राय बनानी होगी। वो हमारी बातों पे यकीन रखें। अबू अब्दुशम्स, आपने तो उन्हें सुना भी है और आपने उनसे बहस भी की है, तो आप ही हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। ना ना ना, पहले मैं तुम लोगों की राय जानना चाहता हूँ। वो एक नजूमी है। मैंने बहुत से नजूमी देखे हैं, वल्लाह ही वो नजूमी नहीं हो सकता। जो वो कहता है वो शायरी नहीं है, मेरे हिसाब से वो कोई दीवाना है। वल्लाह ही ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने लोगों की दीवानगी देखी है, लेकिन मुझे उनमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो फिर तो वो कोई शायर है। नहीं नहीं, वो शायर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने बहुत बड़े बड़े शायर भी देखे हैं और उनके अल्फाज भी सुने हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो जादूगर है। बिल्कुल सही कहा। ना ना, वो जादूगर भी नहीं हो सकते। मैंने बड़े बड़े जादूगर देखे हैं, उनकी जादूगरी भी। तो अब आप ही बताएं हम उन्हें क्या कहें अबू अब्दे शम्स। वल्लाही मोहम्मद जो कहते हैं वो बड़ा ही खूबसूरत है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बंजर ज़मीन पर फूल खिल उठे हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने उनके बारे में जो भी राय बनाई है वो बिल्कुल झूठ है। तो हम सारे अरबों से क्या कहें कि मोहम्मद जो कहता है वो बहुत खूबसूरत है, और साथ में ये भी कि आप उसका साथ ना दें। आपको क्या हो गया है अब अब्दे शम्स? मेरे हिसाब से जो आसपास है वो है नजूमी। नजूमी जो अपने जादुई अल्फाजों से बाप का बेटे से, खाविंद का बीवी से और भाई का भाई से झगड़ा करा देता है। बताओ मुझे, जो मैंने आज कहा वो सही था? मेरा मतलब कि सारे अरब को बताने के लिए मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं मिला कि वो एक नजूमी हैं। वल्लाह ही उनके खूबसूरत और मीठे अल्फाज किसी भी इंसान का उसके बाप, भाई या बीवी से इख्तिलाफ करा सकते हैं, और इसी बात को लेकर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। जो भी आपने कहा लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं। बताओ मुझे अब्बा जी, जब आपने पूछा ही है तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। आपको क्या हो गया है अब्बा जी? आप कैसे दो नाव में सवार रह सकते हैं? क्या आपने कुरान को सबसे बेहतरीन कलाम नहीं माना? वल्लाही जब कभी भी मोहम्मद के किसी सहाबा से कुरान की तफसीर के बारे में पूछा गया तो आपसे अच्छी तफसीर किसी ने नहीं की। तो आप कैसे लोगों को ये सलाह दे सकते हैं कि ये एक बनावटी जादू टोना है? अपने काबू में रहो अलवलीद, तुम हमारे अब्बा पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। वल्लाही मैं तो इनको आगाह कर रहा हूँ, जब लोगों को पता चलेगा कि आपने उनसे झूठ बोला है तो चाहे वो इस बात को मान भी लें, लेकिन वो इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये अरब और
उसमें रहने वाले इज्जतदार लोगों का किरदार नहीं कि वो लोगों से झूठ बोलें। और जहाँ तक हज की बात है तो लोग दूर दूर से आएंगे और मोहम्मद को सुनेंगे जैसा हमारे अब्बा ने किया, और वो भी वो बात जान जाएंगे जो हमारे अब्बा को पता है, क्योंकि वो लोग भी कोई बेवकूफ तो नहीं है। उनके पास भी कान है, दिमाग है और दिल है जैसा हमारे पास है, और वो ये भी जान जाएंगे कि जो इल्ज़ाम हमने मोहम्मद पर लगाए हैं वो एकदम झूठ और बेबुनियाद हैं। वल्लाह अलवलीद, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वाकई में उलझन में पड़ गया था। तो अब आप ही मुझे सलाह दो कि हम लोगों को क्या बताएंगे, हम किस तरीके से उन पे इल्जाम लगाएं। वल्लाही मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। लोगों को वो बताओ जो आप एक दूसरे से कहते हो, लेकिन फिर तो मोहम्मद का कद हमसे बड़ा हो जाएगा। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप तो रह सकते हैं। फिर हम एक ही काम कर सकते हैं कि लोगों को मोहम्मद से मिलने से रोकते हैं। इसे क्या हो गया है? पहले तो इसकी जबान नहीं खुलती थी और आज ये इतना बोल गया। अपने भाई के बारे में गलत मत बोलो खालिद। वो तुम्हारा सौतेला भाई ज़रूर है, लेकिन मेरी नज़र में तुम दोनों बराबर हो। अगर तुम्हें कुरैश की फ़ौज का सिपे सलार बनाया है तो अपनी ताकत पर घमंड ना करो। दो ही तरीके के लोगों ने अरबों पर राज किया है, या तो अपनी तलवार के दम पर, या फिर वो जिनमें सब्र और सलाहियत दोनों हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कसम है अबू हुदैफा, कसम है अपने खुदाओं की, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अगर लोगों को इस बात का पता चलेगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कौन से लोग अब्बा जी, जब मैं उसे एक खुदा से डरता हूँ तो मुझे चाहिए। तुमसे तुम्हारे खुदा ने कहा है कि तुम अपने बाप की नाफरमानी करो? नहीं, बल्कि वो तो कहता है कि हमेशा अपने माँ बाप की फरमावरदार रहो। इस्लाम का तो बुनियादी उसूल यही है कि उस एक खुदा में यकीन रखो। अरे सालिम, जरा वो आयत पढ़ना। قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا। यकीनन हर किसी को अपने माँ बाप के साथ बड़ी नरम दिली से पेश आना चाहिए, चाहे वो शिर्क में ही क्यों ना मुब्तिला हो, और अपनी औलादों को भी ऐसा करने के लिए बोलते हों। وَإِن شَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا। जो पहले तुम्हारा गुलाम हुआ करता था वो हिफ्ज कुरान होने के बाद दीन में तुमसे आगे निकल गया है, क्या शायद इसीलिए नमाज में तुमसे आगे खड़ा था? हाँ बाजी, ये खासियत अल्लाह ने इसे बख्शी है। ये बस अल्लाह के नबी से जुबानी आयतें सुनता है और उन्हें पूरे दिल से हिफ्ज कर लेता है। मैं भी इसे सीखता हूँ और नमाज में मेरी कयादत करता है, इसमें कोई नुकसान मुझे नहीं लगता है। यहाँ सब के सब पागल हो गए हैं। क्या ये सब मोहम्मद की वजह से हो रहा है? वो छोटे लोगों को तो बड़ा रुतबा दे रहा है और बड़े लोगों को नीचे कर रहा है। नहीं, वो सबको एक बराबर मानते हैं। सिर्फ आगे निकलने का एक ही रास्ता है और वो है तकवा। अल्लाह जानता है और इसका अजर देता है। जैसा कि तुमने मुझे बताया कि वो कहता है कि अपने माँ बाप के हमेशा फरमा बरदार रहो, तो क्या तुम ऐसे अपने बाप के फरमा बरदार हो? ये मेरी फरमा बरदारी है कि मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। वल्लाही बिल्कुल नहीं। कुरैश ये नहीं कहेंगे कि उतबा ने अपना दीन बदल लिया और अपने ही लोगों से अलग हो गया। तुमने अपने बाप से बहुत बहस कर ली। मुझे कसम है कि तुम्हें तुम्हारे लोगों के और तुम्हारे बाप के दीन की तरफ वापस लेके आऊंगा। कसम किसकी? अल्लाह तआला की।
उन खुदाओं की जिन्हें आप खुद बनाते हैं, पहले तो उन्हें खुद बनाते हैं फिर उनके आगे खुद ही झुकते हैं। जिसे आप बनाते हैं वो आपको बनाने वाला हो जाता है, और जिसे आप पैदा करते हैं फिर वो आपको पैदा करने वाला हो जाता है। इससे अच्छा तो आप उसे खुदा में यकीन रखें जिसने पूरी मखलूकात को बनाया है और उस एक की इबादत करने का हुक्म दिया है। अगर उस खुदा से अज़र चाहते हो तो फरमा बरदार बनो, अल्लाह की मेहरबानी चाहते हो तो मेहरबान बनो, अल्लाह से नेकी चाहते हो तो नेक बनो। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत और प्यार दे तो लोगों के साथ इज्जत और प्यार से पेश आओ, सब मिलकर एक हो जाओ जैसे वो खुदा एक है। बताओ मुझे क्या सही है, या वो खुदा जिनकी वजह से आप आपस में बटे हुए हैं, वो सारे बुत जिन्हें अपनी मर्जी और पसंद से बनाते हो? यहां तो सभी कुछ उल्टा लगता है, क्या इंसान खुदाओं को बना सकता है? क्या हो रहा है यहां? आपको तो हमारे पास होना चाहिए था, बहुत गंभीर मसला है। इन्हें जवाब दो अबू दैफा, अपने बहनोई अबू सुफियान से कहो, अपने ससुर अबू यजीद को बताओ, अपनी बहन से कहो। अब इसने क्या किया? आजकल इससे ज्यादा कुछ और चल रहा है जो मोहम्मद ने हमारे साथ किया है। क्या तूने भी मोहम्मद का पता? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? हमारे खुदा तेरा मुंह काला कर दे, तो हमारे ऊपर इतनी शर्म लेकर आया है। बेशर्म है तू, बेशर्म है। मारो इसे, ये हमारे, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। मारो इसे, इसे जेल में बंद कर दो, और जब तक पीटो जब तक ये हमारी तरफ वापस नहीं आ जाता। अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो, इसने हमारा दीन छोड़ दिया है, अब तुम इसके साथ नहीं रह सकती। अब मैं ईमान ला चुकी हूँ अब्बा जी, अब ना तो मैं इनको छोड़ूंगी और ना इनके बताए हुए दीन को। ये तो शैतानियत है, तुम दोनों का दिमाग फेर दिया है, तुम दोनों का दिमाग फेर दिया है। अबू अब्द शम्स और मैं देखते हैं कि कैसे लोग मोहम्मद को नहीं छोड़ते, मगर हमारी कौम हमें क्यों सुनेगी, क्योंकि हमारे तो खुद के बच्चे ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। हम क्या मुंह लेकर लोगों के पास जाएंगे, वो तो यही कहेंगे जाओ पहले अपने घर को संभालो फिर हमारे पास आना। बिल्कुल, लोगों को ये कहने का हक है। हमने आज तक सिर्फ मोहम्मद के बारे में बहस के अलावा और किया ही क्या है, और इससे अभी तक हमें ना कुछ हासिल हुआ है और ना कुछ वसूल। हमें पहले अपने घरों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लोग लोग, मैं तुम्हें हक के रास्ते पे बुला रहा हूँ और तुम मुझे लोगों का वास्ता दे रहे हो। हक, हक तो वो है जो लोग करते आए हैं और उनके बाप दादा करते थे। कौन सही है? वो इंसान जो आज काम करता है ताकि उसका कल संवर जाए, और ऐसे लोगों के लिए रास्ता बनाता है जो लोग उसमें यकीन रखते हैं, या वो इंसान जो अंधा होकर मुर्दों में यकीन रखता हो? तुमने अभी लोगों की बात की, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मोहम्मद के मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं? क्या वो लोग नहीं हैं? तुम्हारा क्या होगा जब अल्लाह के करम से उनका दीन फैलेगा? अल्लाह की कसम ये होगा। और तब क्या होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को मानेंगे? क्या तुम ये कहोगे कि नहीं, पहले ये गलत था और अब सही हो गया है? क्या ऐसे ही सच्चाई मानोगे? और अगर तुम्हारे जीते जी ये होगा तो लोग तुमसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, फिर उस वक्त तुम्हारा रुतबा क्या रह जाएगा? आज तुम नबी से नफरत करते हो क्योंकि तुम्हें अपना रुतबा और रसूख छिन जाने का डर है? अगर तुम्हें रुतबे और रसूख का इतना ही ख्याल है तो आगे बढ़ो और इस्लाम को अपनाओ, ताकि जो तुम्हारा रुतबा आज है कल भी वही रहे। इसे कौन सा दर्जा मिला है? ये तो हमसे भी पहले इस्लाम अपना चुका है, अब तक तो इसे बादशाह बन जाना चाहिए था। हमें मोहम्मद को रोकना होगा, उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जितने ज्यादा लोग उन्हें सुनेंगे उतना ज्यादा मानने लगेंगे। मोहम्मद से लोगों को हर हाल में बचाना है, चाहे इसके लिए हमें तलवार ही क्यों उठानी पड़े। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जा रहा हूँ मैं। अबू सुफियान, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? इससे अच्छा है कि मैं अपने कानों को फोड़ लूं। और आप अबू यजीद? और तुम मेरे भाई? हमारे बड़े बूढ़े तो सरदार होने की वजह से डरते हैं ताकि कौम के लोग नाराज ना हो जाएं, लेकिन तुम तो अभी जवान हो। अगर हमारे अब्बा अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते तो मैं अपने अब्बा को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो तुम्हें जहन्नुम में क्यों न ढकेल रहे हो। मुझे ये बातें समझ नहीं आती,
आग, जहन्नुम, जन्नत, इससे बेहतर होता कि मैं तुम्हें यहीं मार देता, लेकिन उससे मेरे दुश्मन खुश हो जाएंगे। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरे अब्बा कोई राय कायम नहीं कर लेते। सुनो अरब के इज्जतदार लोगों, जैसा तुम जानते हो हम हरम के लोग हैं और इसकी निगहबानी करते हैं। जिसने भी हरम के खिलाफ साजिश की है, हमारे खुदाओं के फजल व करम से वो सारे खाक में मिल गए। आप लोग गवाह हैं, जो यहां हाथी लेकर आए थे उनका क्या हाल हुआ था। अब हमारे बीच ही एक इंसान पैदा हो गया है जिसके बारे में आपने सुना होगा। वो अपने बारे में लोगों को बरगलाता फिर रहा है, लेकिन उसमें वृत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उसकी वजह से हमारे आपस में इख्तलाफ पैदा हो गए। हमारी पीढ़ियों की बेइज्जती करता है और हमारे खुदाओं को गालियां देता है। हमारे बीच से कुछ कमज़र्फ और कम जहन लोग उसको मानने भी लगे हैं, ये जानते हुए भी कि वो हम लोगों में से ही एक है। मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। उसका रिश्तेदार होने के नाते उसकी शैतानी हरकत को सबसे पहले मुझे आप रसूखदार अरबों से छुपाना चाहिए था, मगर उसने कुछ ऐसा ईजाद कर लिया है जिसे वो लोगों में आम कर रहा है और इसे लोगों को मानने के लिए मजबूर करता है। मैं जानता हूं अगर आज मैंने उसकी मुखालिफत नहीं की तो कल आप लोग मेरी मुखालिफत कर देंगे। अगर मैं आज आप लोगों को इस बारे में आगाह नहीं करता तो जो भी वो करता है उसका इल्ज़ाम आप हमारे ऊपर लगा देते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे हम हरम को लेकर वफादार हैं, ऐसे ही आप लोग भी अपनी वफादारी दिखाएं और उसे बिल्कुल ना सुने। आपके आने से पहले हमने मशवरा किया था कि या तो रिश्तेदार होने के नाते आपसे उसकी बातों को छुपा लें, या हम सारे अरब को आगाह कर दें कि वो उसकी रूहानी और मदहोश कर देने वाली बातों से दूर रहें। इसलिए हमने वो चुना जो हमें सही लगा, बल्कि ये नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा था, जबकि वो हम में से एक है। इसलिए आपको इस पाक जगह का वास्ता उससे दूर रहना। अगर उसने वाकई में कुछ अच्छा ईजाद किया होता तो सबसे पहले हम उसे मानते, जबकि हम तो खुद उनके कबीले के लोग हैं। अगर वाकई उसकी बात में कोई दम होता तो हम पहले उसे मानते। वो तो यहां तक कहता है कि अगर आप लोग हमारे साथ हो जाएं तो अरबों को तो हमारे साथ आना ही पड़ेगा, लेकिन हम जवाब में बोलते हैं कि अरब के साथ हमारा रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हम अरबों से दुश्मनी मोल क्यों लेंगे? उसके पास रूहानी ताकतों का खजाना है जिससे वो खानदान को खानदान से लड़वा देता है और लोगों को लोगों से लड़वा देता है, लेकिन हमने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो जिस आग से हम खुद बच रहे हैं उसमें आप लोगों को कैसे ढकेल दें? हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता, हमारा इंसाफ ये गवारा नहीं करता, और हमारा अखलाक वो भी गवारा नहीं करता, और उसकी रूहानी ताकतों से अपने आप को बचा लेना। जैसा अबू यजीद ने कहा, मैं मोहम्मद का चचा हूं, वो मुदम्मम है। मुदम्मम चचा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबसे पहले उसका साथ दूं, लेकिन मेरे अखलाक और मेरे जज्बात ऐसा नहीं मानते। मैं आप लोगों को इस हकीकत से रूबरू कराऊंगा और शहादत दूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा अब्दुल मुत्तलिब ने हमेशा मुझे सच का साथ देना ही सिखाया है। मैं भी अपने भतीजे मुदम्मम को प्यार करता था, यहां तक कि मैंने अपने दोनों बेटों की शादी उनकी दोनों बेटियों से करा दी। लेकिन जब मुझे उनके झूठ के बारे में पता चला तो मैंने अपने बेटों को बोला कि उसे फौरन तलाक दे दें। हाँ, वो मुझे प्यारा था, लेकिन उससे ज्यादा प्यारा मुझे मेरा दीन और मेरा शहर है। मैं आप लोगों के सामने आज शहादत देता हूं कि वो झूठा है, मक्कार है। उससे दूर रहना और उसके पास भी मत जाना, वरना वो आप लोगों पे भी जादू कर देगा। आप लोगों ने इनके चचा की शहादत को सुना, अब बाकी कहने को कुछ बचा नहीं है। सुना आपने? अब बाकी कहने को कुछ बचा नहीं है। क्या तुम्हारी टांगे टूट गई थी जो तुम मुझे छोड़कर वहां से चले आए? अब्बा जी, आप मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? मेरा भाई अब्दुल्ला भी तो आपके साथ नहीं गया। मैं इससे तंग आ चुका हूं।
तुम्हारा क्या नुकसान होता अगर तुम मेरी बात खत्म होने तक वहां रुक जाते? मैं आवाम के बीच बोलने का तरीका ही तो सिखा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की अब्बा जी कि मैं आपको खुश रख सकूं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कभी कभी भी नाइतफाकी पैदा हो जाती है। कोई नाइतफाकी नहीं होती। अगर मैं आपकी तरह नहीं सोचता तो इसका मतलब क्या मैं नाकाबिल हूं? तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? अबू जंदल अपनी मर्जी के खिलाफ आपके साथ गया। अपने बेटे से वो काम ना कराओ जो उसे पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी इस बात से नाइतफाकी हो जाए। बोलो अबू जंदल, बता दो इन्हें। घबराओ नहीं, इन्हें वो बता दो जो तुमने मुझे बताया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं। अब्बा जी, जो भी आपने आज मोहम्मद के लिए कहा उससे आप बड़े खुश हो रहे होंगे, जबकि आप कुरैशियों में बड़े सादिक इंसान हैं। लेकिन ये सदाकत आपके साथ भी जा सकती है और आपके खिलाफ भी, ठीक उसी तरह जैसे एक तेज धार तलवार का इस्तेमाल इंसाफ को बचाने के लिए भी किया जा सकता है और नाइंसाफी को बढ़ाने के लिए भी। और आपने आज नाइंसाफी की है। आपने जो भी मोहम्मद के बारे में कहा है, ना तो वो सही है और ना ही सच है। याद रखें अब्बा जी, सच्चाई के साथ बिताया गया एक पहर झूठ के साथ बिताई गई जिंदगी से कहीं बेहतर है। तुम मोहम्मद का साथ दे रहे हो? मुझे लगता है तुम भी कहीं उसके सहाभाव में से एक तो नहीं हो, या तुम उसके पास बैठने लगे हो। तुम्हें पता नहीं है कि उसने तुम्हारे बहनोई अबू हुदैफा और तुम्हारी बहन साला को भी अपने जाल में फंसा लिया है। अगर मैं वाकई में ऐसा कुछ करूंगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा आखिर तुम्हें हुआ क्या है। हमने आपसे ही सीखा है। जब से हमने होश संभाला है आपने हमें बताया है कि मोहम्मद हमारे लोगों में सबसे ज्यादा सादिक, अल अमीन, अल करीम है। फिर अचानक एक दिन हम उठते हैं और आप हमसे बोलते हो कि नहीं, वो तो एक झूठा और मक्कार और जादूगर है। मैं पहले भी सच्चा था और आज भी सच्चा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड, और इसमें हमने देखा कि कैसे कैसे एक्सेप्ट कर रहा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, पर उन्होंने किया जो जिनकी ये बात कर रहे थे बहन हुई, वो आई थिंक उसके हजरत उमर की बहन और वो है शायद, है ना मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया था। फिर हजरत उमर को पता चलता है तो हजरत उमर जाते हैं इनके पास। हाँ। और फिर वहाँ जाके ना कलमा पढ़ लेते हैं। तो आप सभी बताना कि क्या था, और बाकी तो हमने देखा ये नॉर्मली सी अभी तो फिलहाल स्टोरी चल रही है। मेरे को किसी ने बताया था कमेंट करके कि अभी इतना मत सोचो, सेवंथ पार्ट के बाद रियल स्टोरी स्टार्ट होने वाली। रियल स्टोरी तभी स्टार्ट होगी जब लड़ाई बढ़ेगी, हजरत उमर जब एक्सेप्ट करेंगे। अभी तो नॉर्मल बात ही बना रहे हैं, या ना कि कैसे कैसे वो एक्सेप्ट करें, कैसे कैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं और इनके अपने कुरैशियों के लोग कैसे वहाँ पे जा रहे हैं ना। सो बाकी ये था, और होप सो आपको रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताना, और बाकी बहुत लंबा पार्ट होता जा रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ इसको डिवाइड कर दो पार्ट में, क्योंकि इतनी देर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इतनी देर बैठना एक जगह पर स्टिल, तो बाकी वही इशू नहीं है। अगर ऐसे एक एक पार्ट पूरा बनाना 46 मिनट का, ये भी बता दो अगर आप चाहते हो, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो। रिक्वेस्ट नहीं, अगर आप हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप बता दो कि ऐसा कर लें हम कि एक पार्ट को दो दो बार डिवाइड कर लें, मतलब 22 मिनट का करके कर लें, तो ये भी बता देना। और बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।